तुम्हें अपनी बीवी को समझाना होगा। असूल प्रस्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब असूल खानदान के सामने आ जाए तो फिर असूलों को बदलना पड़ता है। आई नो डैड, बट आप शनाया को जानते ही हैं, किसी के साथ ज्यादती होते वो देख ही नहीं सकते। देखो बेटा, अरबाब हारून इज अ वेरी पावरफुल मैन एंड यू नो दैट। हमारे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट होल्डर, अगर उसने अपने सारे पैसे निकाल लिए तो यू नो बेटर देन मी कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें। नुकसान और फायदा तो अल्लाह के हाथ में है गयास। आपको नहीं लगता कि हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अब तुम इस तरह की बातें करके अपनी बहू को ताकत मत दो। आई डोंट वॉन्ट टू हियर दिस। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले हम लोग नहीं है, उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, लॉयर्स हैं, सब कुछ है। एक ही कमाने वाला था हमारे घर में, चार औरतों का वाहिद सहारा। जब तक सुल्तान का कातिल फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचता ना, हमारे दिलों को चैन नहीं मिलेगा। मेरा आप लोगों से वादा है, जब तक आप लोगों को इंसाफ ना दिला दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आई प्रॉमिस। शनाया जी, आपको क्या बताएं हम? जब से अरबाब हारून हमारे घर से होकर गए, मोहल्ले वाले तरह तरह के सवाल करते हैं कि कितने में बिके हो, क्या सौदा हुआ है। इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अल्लाह के बाद बस आपका ही सहारा है, हो सके तो कोई नौकरी दिलवा दे। फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपके बहुत एहसानमंद हैं।